हेलो नमस्कार, वृंदमर चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। सुनील सिंह परियार जी ने बोला है कि सरकार से अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर बात चल रही है। जिन अतिथि शिक्षकों को बाहर कर दिया गया है पुनः नियुक्त किया जाएगा जल्द से जल्द। सरकार ने आदेश जारी कर दिया गया है कि मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षकों की पुनः नियुक्ति की जाएगी स्कूलों में जो पहले से कार्यरत थे। नियमितीकरण की मांग को लेकर सरकार के अधिकारियों से बात चल रही है। जल्दी अतिथि शिक्षकों के हित में फैसला लिया जाएगा और लोक शिक्षण संचालन का भी आदेश जारी हो गया है कि जल्दी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति स्कूलों में की जाएगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, मैं लाइव वार्ता आपको दिखाने वाला हूँ। सुनील सिंह परिहार जी ने मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को क्या संदेश दिया है, क्या कहना सुनील सिंह परिहार जी का अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, से अपडेट पाने लगे क्या कहना सुनील सिंह परिहार जी के बने रहे। हजारों अतिथि शिक्षक बरसों की सेवा के बाद बेरोजगार हो गए हैं। हमने कई बार अधिकारियों से आवेदन निवेदन किया है, लिए भी हमने आग्रह किया था। आयुक्त महोदय और बीएस मैडम के यहाँ भी हमने आवेदन इस संबंध में दिया था। माननीय मंत्री जी से भी इस संबंध में चर्चा की थी। उनका तर्क ये था कि बहुत से टीचर प्रति इसके बावजूद भी फिर भी बाहर हुए हैं। सभी को तकलीफ है, दुख है, होना भी चाहिए। फिर भी हम अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी चंदेरी आए हुए थे, मैं खुद गुना से लगभग 150 किलोमीटर पहुंचकर चंदेरी गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया, चूंकि भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा थी इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से ज्यादा बात वहां पर नहीं हो पाई है। अभी भोपाल के लिए भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का समय लिया है। प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी मुलाकात करके अतिथि शिक्षकों की पीड़ा से अवगत करवाएंगे। कल भी हमने ज्ञापन दिया है, आग्रह किया है कि जो साथी बरसों की सेवा के बाद बाहर हुए हैं, रिक्त पदों पर सरकार उनको पुनः सेवा में अवसर देने के आदेश जारी करवाए। दूसरा, जो घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 सितंबर को की थी, एक घोषणा दुगने मानदेय की थी, उसके आदेश जारी हो गए हैं। उसके लिए हम मध्य प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के आभारी हैं। लेकिन मूल रूप से विभागीय परीक्षा, आरक्षण बोनस अंक और एग्रीमेंट, ये आदेश होना अति आवश्यक है। हम सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं ये आदेश जारी हो जाएं। जब ये आदेश जारी हो जाएंगे तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। जो साथी विरोध करने की बात कर रहे हैं, यदि किसी को ऐसा लगता है कि विरोध करने से आपका काम बन जाएगा तो आप लोग स्वतंत्र हैं, बिल्कुल विरोध करें। हमने किसी को भी किसी भी पार्टी का समर्थन या विरोध करने की बात कभी नहीं कही। हम खुद अतिथि शिक्षकों के हित में काम कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे थे कि आपने कांग्रेस पार्टी के सरकार में 116 दिन का धरना शाहजहानी पार्क में दिया, बीजेपी की सरकार में
आपने कभी विरोध नहीं किया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भोपाल में अभी तक लगभग 14 कार्यक्रम सुनील परिहार के नाम से हुए हैं। सिर्फ शाहजहानी पार्क का जो धरना प्रदर्शन हुआ वो कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में हुआ, बाकी के जो भी प्रदर्शन हुए वो सब बीजेपी की सरकार के समय हुए। पिछला जो कार्यक्रम था उसमें सामूहिक रूप से बीजेपी के खिलाफ शपथ ग्रहण करवाने का काम भी हमने किया था। यदि हम किसी पार्टी के समर्थक होते तो ऐसी गलती कभी नहीं करते, और उसके चक्कर में कुछ अतिथि शिक्षकों को नुकसान भी हुआ, लेकिन फिर भी बात को संभाला, बातचीत का दौर शुरू किया और आप सभी के सहयोग से महापंचायत हुई। अब एक आदेश जारी हुआ है, उम्मीद करते हैं आने वाले समय में अन्य आदेश भी जारी होंगे। कुछ साथी अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करेंगे, अतिथि शिक्षकों को नियमित करेंगे। वैसे अभी तक जो भी विपक्ष में रहा है उन सब की हमदर्दी विपक्ष में रहते अतिथि शिक्षकों के प्रति रही है। साथियों, वर्तमान में जिसकी सरकार है, नीतिगत मामलों में सरकार ही निर्णय करती है। आप सभी प्रयास ये करें कि हम स्थानीय मंत्री और विधायकों से मिलकर घोषणा संबंधी आदेश जारी करवाने का प्रयास करें। आपस में पात्रता पास प्रशिक्षित अप्रशिक्षित के मैटर में ना उलझें। संगठन ने सभी वर्गों की बात रखी है, सभी वर्गों के हित में काम किया है और आज भी कर रहे हैं। जिन अप्रशिक्षित साथियों को बरसों की सेवा के बाद हटाया जा रहा है उसके लिए भी हमने मंत्री जी से अधिकारियों से चर्चा की है, ऊपर से आदेश जारी करवाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि नहीं होता तो हम कोर्ट का सहारा लें। आप लोग इकट्ठे होकर कोर्ट में याचिका लगाएं कि जिला स्तर पर अधिकारी लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का भी जिक्र है, उसका पालन नहीं किया जा रहा है। तो हम कोर्ट से स्टे लेकर अपने पद पर काम कर सकते हैं, क्योंकि स्पष्ट आदेश है कि अतिथि शिक्षक को अतिथि शिक्षक से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। यदि कोई पहले से अतिथि शिक्षक काम कर रहा है उसको हटाकर सरकार दूसरा अतिथि शिक्षक नहीं रख सकती। जो व्यक्ति 15 साल से काम कर रहा है, चाहे वो प्रशिक्षित हो चाहे अप्रशिक्षित हो, उसको अतिथि शिक्षक के पद पर काम करने दिया जाए। ये स्थायी व्यवस्था नहीं है, रेगुलर के लिए आपके सारे नियम कानून जायज है। आईटी को वहाँ पालन कर सकते हैं, लेकिन अतिथि शिक्षक के पद पर 2010 में आदेश जारी हुआ था कि प्रशिक्षित अतिथि शिक्षक उपलब्ध न होने की स्थिति में अप्रशिक्षित लोगों को भी अवसर दिया जाएगा। उस आदेश के तहत ये सब वर्षों से काम कर रहे हैं। हम किसी भी वर्ग के समर्थक या विरोधी नहीं है, संगठन सबका है। संगठन का काम है अपनी मांगों को, अपनी समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाना, और हम इस काम को बखूबी कर रहे हैं। जो साथी ऐसा मानते हैं कि हम किसी एक वर्ग के लिए काम कर रहे हैं तो वो आपकी गलतफहमी है। हम किसी भी एक वर्ग के लिए काम नहीं कर रहे हैं। पात्रता पास के लिए भी हमने बात की है, पात्रता पास वालों की मांग रखी है, प्रशिक्षित लोगों की भी मांग रखी है और अप्रशिक्षित लोगों की भी मांग रखी है। पात्रता पास वालों के लिए भी हमने लिखा था कि 5, 8, 11, 18, 23 कोई भी पात्रता पास हो उनको बिना शर्त के नियमित किया जाए। प्रशिक्षित लोगों के लिए हमने बोनस अंक और कट ऑफ कम करने के लिए आग्रह किया था। अप्रशिक्षित लोगों के लिए भी आग्रह किया है कि जिस तरह से गुरुजी शिक्षाकर्मी संविदा वर्ग 1, 2, 3 उनके लिए सरकार ने
ऑपरेशन क्वालिटी योजना से या NIUS से DL-ED करवाया है, उसी तरह से सरकार अतिथि शिक्षकों को भी DL-ED करवाए। आप सभी धैर्य बनाए रखें, प्रयास जारी है, बड़े जल्दी घोषणा संबंधी आदेश भी हम जारी करवा लेंगे। जो बाहर हुए हैं वो साथी चिंता ना करें, जल्दी से जल्दी आपको पुनः सेवा का अवसर दिलवाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आपका आपकी मेहनत आपकी सेवा व्यर्थ नहीं जाने देंगे। अभी हम किसी भी तरह का